सुप्रभात छात्रों, एक बार पुनः आप लोगों का द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पिछले क्लास में हम या पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट वो क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे इंटरवल के बारे में। इंटरवल क्या होता है उसको देखेंगे। तो इंटरवल के बारे में लिखे हैं, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल में क्या होगा, कम से कम दो संख्याएं लेंगे। तो दो संख्या जब लीजिएगा तो पहला संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। पहला संख्या दूसरी संख्या से क्या होगा, छोटा। तो चार प्रकार का इंटरवल आएगा। तो वही लिखे हैं, माना ए और बी क्या है, कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं। तब जो संख्या लिया है तो पहला छोटा होगा दूसरा से, तो वही लिखे हैं ए जो है छोटा है किससे, बी से। ए लेस देन क्या है, बी। तब आर पर निम्नलिखित चार उप समुच्चय डिफाइंड होते हैं जो क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। मतलब दो संख्या लेंगे तो पहली संख्या दूसरा से छोटा होगा तो उस पर चार सबसेट डिफाइंड होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। तो पहला इंटरवल लिखे हैं संवृत या बंद अंतराल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका सिंबल होता है ये इस तरह से, बड़ी कोष्ठ ए कोमा बी। इसका मतलब हुआ ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, और उसके बीच में जितना रियल नंबर है टोटल है। वही लिखे हैं इस तरह से, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये क्या है आपको, इंटरवल फॉर्म में है। कभी कभी क्वेश्चन देता है ऐसे लिख देगा और कहेगा कि उसको इंटरवल फॉर्म में लिखें, तो ऐसे लिखना है। अगर ऐसे देगा कहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिखना है, एक्स हैज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए से बड़ा या बराबर है एक्स, बी के बराबर है और बी से क्या है, छोटा है। इसका मतलब एक्स का मान ए भी है बी भी है और उसके बीच में जितना रियल नंबर में है सब है, इसलिए ए को भी शामिल किए हैं बी को भी शामिल किए हैं, उसके बीच में जितना रियल नंबर है टोटल होगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है इसलिए ए और बी को भी शामिल करना है। इसलिए लिखे हैं ए से बी तक, मतलब तक लगा दिए हैं तो दोनों शामिल हो गया, ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है दोनों बिंदु को शामिल करते हुए उसके बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका सिंबल इस तरह से, कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है तो समझ जाइए जो दोनों बिंदु को शामिल करना है। जैसे एक एग्जांपल देंगे, हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल 2 to 5, इसका मतलब 2 भी होगा 5 भी होगा और इसके बीच में जितना रियल नंबर है सब होगा। तो अब दूसरा इंटरवल है उसको देखेंगे, फिलहाल इसको देखेंगे। दूसरा इंटरवल है पहला इंटरवल बता दिए क्लोज्ड या क्लोज इंटरवल, उसको हम लोग संवृत या बंद अंतराल बोलते हैं। दूसरा है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ये होता है खुला या विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल। ओपन में इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, इसका सिंबल ये दोनों तरफ से छोटी कोष्ट ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओपन इंटरवल का सिंबल हो गया। इसका मतलब जानिए, ओपन इंटरवल है इसका मतलब होता क्या है, ये एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स करेगा आर में और ए से बड़ा होगा एक्स और बी से क्या होगा, छोटा। ये इंटरवल फॉर्म है और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सवाल पूछता है इंटरवल फॉर्म देगा कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, या सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ रहेगा कहेगा इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए। इसका मतलब ये देखिए, ये हो जाएगा ये ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ कह रहा है ए से बड़ा और बी से छोटा, इसका मतलब ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या, ए और बी को शामिल नहीं करना है, ए को छोड़ देना है और बी को भी छोड़ देना है, सिर्फ उसके बीच का वैल्यू लेना है। ये अर्थात ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं। एक एग्जांपल अगर देखिएगा तो ये देखिए, जैसे कि हम लिखते हैं 2 to 4, ओपन इंटरवल है, इसको ऐसे लिखेंगे x as that x belongs करेगा R में और 2 से बड़ा होगा x और ये 4 से क्या होगा, छोटा। ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ये 2 है और ये क्या है, 4 है, तो 2 को छोड़ देना है 4 को भी छोड़ देना है।
अर्थात 2.1 से शुरू करेंगे 3.99 तक जाएंगे, 2.1 से शुरू करेंगे और 3.99 तक जाएंगे। मतलब इसमें ओपन में क्या होता है, दोनों पॉइंट को छोड़कर सिर्फ उसके बीच का वैल्यू लिया जाता है। क्लोज में क्या होता है, दोनों को शामिल करते हुए उसके बीच का सभी वास्तविक संख्या लिया जाता है। अब है तीसरा ओपन क्लोज और चौथा है क्लोज्ड ओपन। तो अब तीसरा हम लोग देखेंगे ओपन क्लोज, यह है बंद खुला अंतराल। तो जिधर से बंद होता है उधर से बड़ी कोष्ठ देना है और जिधर से खुला होता है उधर से छोटी कोष्ठ देना है, उसी का दूसरा नाम संवृत विपरीत अंतराल, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज में बड़ी कोष्ठ, ओपन में छोटी कोष्ठ, इसका सिंबल हो गया ये। इधर से क्लोज है तो बड़ी कोष्ठ, इधर से ओपन है तो छोटी कोष्ठ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सिंबल हो गया तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया इंटरवल फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो जहाँ बड़ी कोष्ठ लगा हुआ है वहाँ इक्वल टू देना है, इसका मतलब एक्स का मान ए के बराबर या ए से बड़ा और बी से छोटा। तो देख लीजिए ए शामिल होगा बी शामिल नहीं होगा, उसके बीच का पॉइंट तो होगा ही, इसका मतलब ए को शामिल करते हुए बी से छोटी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देख देंगे यहाँ ए को शामिल करते हुए बी से छोटी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जहाँ क्लोज इंटरवल लगा हुआ रहता है उसको शामिल कर लेते हैं, जहाँ ओपन रहता है उसको छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में लिए क्लोज इंटरवल 2 to 5, तो 2 शामिल होगा 5 शामिल नहीं होगा, इसका मतलब x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा 5 से छोटा। तो 2 को शामिल किए हैं और 5 को छोड़ दिए हैं, 5 को छोड़ दिए हैं और उसके बीच का जो पॉइंट होगा वो तो होगा ही, जैसे 2 होगा 2.1 से लेकर के 4.99 तक होगा, लेकिन 5 को इसमें शामिल नहीं करना है। तो ये है क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज का मतलब शामिल करना है, ओपन का मतलब छोड़ देना है। तो जहाँ क्लोज है इसका मतलब उसको शामिल करते हुए, ओपन का मतलब जहाँ है उसको छोड़ देना है, इसका मतलब इसको शामिल करते हुए, ए को शामिल करते हुए बी से छोटी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये हो गया इंटरवल फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन जो पूछेगा, अंतराल दिया हुआ रहेगा, कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, हो जाएगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, कहेगा इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए, ऐसे रहेगा इस फॉर्म में लिखना, ऐसे दिया हुआ रहेगा कहेगा इस फॉर्म में लिखने के लिए, आराम से हो जाना चाहिए। अब है लास्ट आपको खुला बंद अंतराल, चौथा होगा खुला बंद अंतराल, उसको देखेंगे। चौथा है आपको खुला बंद अंतराल। तो जिधर से ओपन है उधर से छोटी कोष्ठ देना है और जिधर से क्लोज है उधर से बड़ी कोष्ठ देना है, ये ओपन क्लोज। तो जिधर से ओपन है उधर से लेस देन और जिधर से क्लोज है वहाँ इक्वल टू, इसका मतलब ए से बड़ा और बी के बराबर और बी से छोटा। देख लीजिए ए से बड़ा बी के बराबर और बी से छोटा, ओपन रहेगा तो उसको छोड़ देना है, क्लोज रहेगा तो उसको शामिल करना है। जैसे इसको संख्या रेखा पर अगर दिखाए हैं, ये ए है और ये बी है, तो ए से बड़ा है बी को रंग दिए हैं, इसका मतलब बी को शामिल किए हैं, ए से बड़ा बी को शामिल करते हुए उसके बीच की सभी वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल 2.5 है, इसका मतलब 2 से बड़ा 5 को शामिल करते हुए उसके बीच की संख्या, 2 to 5, तो 2 से बड़ा 5 को एम शामिल किए हैं उसके बीच की वास्तविक संख्या। यहाँ लिखे हैं अर्थात ए से बड़ी, इसको लिखिए ए से बड़ी बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये हो गया आपको ओपन क्लोज इंटरवल। तो ये 4 इंटरवल था, ये 4 समाप्त हो गया। इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका यूज सेकेंड ईयर में भी है, जब कैलकुलस शुरू करेंगे तो वहाँ इंटरवल की बात होगी, तो वहाँ यही चीज़ वहाँ होता है। क्लोज है तो इसका मतलब दोनों को शामिल करना है, ओपन है तो दोनों को छोड़ देना है। ओपन क्लोज है तो जिधर से ओपन है उसको छोड़ देना है, जिधर से क्लोज है उसको शामिल करना है, इतना याद रखना है। अगला है आपको यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, वो देखेंगे आप। अगला है यूनिवर्सल सेट, उसी को बोलते हैं सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय। सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय का मतलब होता है ऐसा निश्चित समुच्चय जो दिए गए सभी उप समुच्चयों का सुपर सेट होता है, वही लिखे हैं। ऐसा सेट जो सभी सबसेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का होता है। सुपर सेट बताए थे, सबसेट जब पढ़ाए थे तो सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है। सुपर सेट का मतलब ए अगर बी का सुपर सेट होगा तो बी का टोटल एलिमेंट किसमें होगा, ए में। यहाँ कहा है ऐसा सेट जो इस सबसेट का सुपर सेट होता है, अर्थात यू जो होगा जितना भी सेट होगा उसका क्या होगा, सुपर सेट। यूनिवर्सल सेट को यू या एस से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल ए और बी दो सेट लिए, तो इसी का ये सबसेट हो गया, इसका सबसेट हो जाएगा 3, 3, 6 एलिमेंट है तो 2 का पावर 6 अर्थात 64 को सबसेट होगा इसका, तो इस 64 में ये दोनों आएगा। अब देखिए ये सुपर सेट कैसे है, यू अगर ए का सुपर सेट है तो ए का टोटल एलिमेंट इसमें है, देखिए है ना। यू अगर बी का सुपर सेट है तो बी का टोटल एलिमेंट इसमें है कि नहीं है,
इसलिए लिखे हैं यू सुपर सेट ए एंड यू सुपर सेट बी। अतः यू एक क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको सेट दिया हुआ रहेगा यूनिवर्सल सेट, इसको ध्यान में रखते हुए टोटल एलिमेंट उसे उसमें लिख देना है, वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।